हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आज मेरे पास रेडमी का 4X मॉडल है। जैसे कि आप देख सकते हो, ये FRP लॉक फ़ोन है। तो जो मैं आज ट्रिक आपको बताने वाला हूँ, ये रेडमी के आल मॉडल पे वर्क करती है। मैंने कई मॉडल पे किया है। तो फर्स्ट पर आपको क्या करना है, जैसे कि देख सकते हो ये FRP लॉक है। तो फर्स्ट पर आपको ईमेल पे क्लिक करना है। फिर आपको कीबोर्ड पे एक लैंग्वेज का ऑप्शन दिख रहा होगा, लैंग्वेज के ऑप्शन पे प्रेस लॉक करना है। प्रेस लॉक करने के बाद आपको लैंग्वेज सेटिंग मिलेगी। लैंग्वेज सेटिंग पर क्लिक करने के बाद आपको ऐड कीबोर्ड पे क्लिक करना है। फिर आपको नीचे आना है, फिर कोई ऐसे लैंग्वेज पे क्लिक करना है जिसमें एरो लगा हो। जैसे ये एरो लगा है तो मैंने इस पर क्लिक किया। फिर आपको थ्री डॉट्स पे क्लिक करना है। थ्री डॉट्स पर क्लिक करने के बाद आपको हेल्प एंड फीडबैक पे क्लिक करना है। थोड़ा सा वेट कर लेना है। फिर डिलीट और डिसेबल ऐप ऑन एंड्रॉइड फर्स्ट ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर आपको यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन एक मिल जाएगा, टैप टू गो टू एप्लीकेशन सेटिंग। इस पर आपको क्लिक करना है। फिर क्लिक करने के बाद आपको मोर पे क्लिक करना है। मोर पे क्लिक करने के बाद क्रोम पे क्लिक करना है। क्रोम पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे आपको डालना है FRP फाइल बाईपास। FRP फाइल बाईपास लिख के जब आप सर्च करेंगे तो फर्स्ट पे एक वेबसाइट मिल जाएगी। उस पर आपको क्लिक करना है। फर्स्ट वेबसाइट क्लिक करने के बाद आपको सेटिंग ओपन करना है। सेटिंग होने के ओपन करने के बाद आपको एडिशनल सेटिंग में जाना है। एडिशनल सेटिंग में जाने के बाद आपको फर्स्ट पर आपको अबाउट फोन में जाना है। अबाउट फोन में जो MIUI आइकन है उस पर डेवलपर ऑप्शन आने के लिए इस पर आपको 7 से 8 दफ़ा क्लिक करोगे तो यू आर नाउ डेवलपर लिख जाएगा। फिर आपको बैक जाना है। फिर बैक जाने के बाद फिर से आपको एडिशनल सेटिंग में चले जाना है। एडिशनल सेटिंग में जाने के बाद आपको यहाँ डेवलपर ऑप्शन मिल जाएगा। डेवलपर ऑप्शन यहाँ मिल जाएंगे, उस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद जो OME अनलॉकिंग होता है इसे आपको इनेबल करना है। तो जैसे कि जैसे कि OME अनलॉकिंग और USB लॉकिंग, तो मुझे बैक आना है। OME अनलॉकिंग करके फिर बैक आना है। फिर से मुझे चेक करना है कि OME अनलॉकिंग लगा है कि नहीं लगा है। तो फिर मैं डेवलपर ऑप्शन में जाता हूँ। तो जैसे देख सकते हो OME अनलॉकिंग नहीं लगा है। इसका सिंपल से स्टेप है, जब तक कि OME अनलॉकिंग ना लगे तब तक कि आपको सेटिंग से बाहर नहीं आना। तो मैं फर्स्ट बार क्लिक करता हूँ, फिर मैं बंद करता हूँ, फिर क्लिक करता हूँ। जब तक मुझे एक ओके का ऑप्शन नहीं आएगा मैं ऐसे ही करता रहूँगा। जैसे कि देखो मैंने काफ़ी बार ट्राई किया है। ट्राई करने के बाद देखो लिख गया अलाउ OME अनलॉकिंग। जब तक ये ऑप्शन ना आए आप करते रहिए। आने के बाद इसे इनेबल पर क्लिक करना है। इनेबल करने के बाद देखो ये टिक लग चुका है। टिक लगने के बाद एक बार बैक जाइए। फिर बैक जाने के बाद फिर डेवलपर ऑप्शन दे रहा है। फिर देखो ये टिक लगा हुआ है, मतलब कि OME अनलॉकिंग ये हो चुका है, ऑन हो चुका है। ऑन होने के बाद आपको सिंपल सा कुछ नहीं करना है। आपको अपने फोन पे यही सेटिंग से हार्ड रिसेट करना है। हार्ड रिसेट के बाद आपका फोन ओपन हो जाएगा। एडिशनल सेटिंग में फिर जाना है। फिर आपको हार्ड रिसेट बैकअप एंड रिसेट का ऑप्शन आ जाएगा। और फिर आपको फैक्टर डाटा नीचे सबसे नीचे ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर क्लिक करना है। फिर रिस्टार्ट फोन नीचे एक ऑप्शन मिलेगा। फिर ये वार्निंग दे रहा है, थोड़ा सा वेट कर लेना है। वेट करने के बाद नेक्स्ट करना है, फिर वेट करना है। ये भाई 100% वर्किंग ट्रिक है। आप किसी भी फ़ोन MI के फ़ोन में ये ट्राई कर सकते हो। आल रेडमी MI फोन सभी में वह मॉडल ट्रिक वर्क करती है। तो मैं ओके कर दे रहा हूँ। ये फॉर्मेट हो जाएगा। फॉर्मेट होने के बाद कोई भी FRP कोई भी लॉक आपसे नहीं मांगेगा। तो इसमें थोड़ा सा वेट कर लेना है।
व्यू दिखाता हूँ। फिर हम प्ले सेटअप ऑफलाइन, थोड़ा सा वेट कर लेना। जैसे कि देख सकते हैं सेट फुल्ली ओपन हो चुका है, तो मैंने जो लॉक लगाया था वो लग चुका है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।